हाय फ्रेंड्स, मैं सीए दीपक। आज हम करेंगे अपनी टैली बैच की फिफ्थ क्लास। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में किया था कि हम अकाउंटिंग मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं। हमने देखा था कि हम अकाउंटिंग मास्टर में ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, करेंसी कैसे क्रिएट करते हैं और वाउचर टाइप कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम करेंगे इन्वेंटरी मास्टर। हम उस पर वर्क करेंगे कि इन्वेंटरी मास्टर में हम ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं, आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं और गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं। जब हम टैली में फीचर ऐड ऑन करते हैं कि अकाउंटिंग प्लस इन्वेंटरी, तब हमारे लिए ऑप्शन दोनों आते हैं कि हम अकाउंटिंग भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप और इन्वेंटरी के भी हम ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट और गोडाउन। अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है, आपका कोई ऐसी फर्म है जिसमें इन्वेंटरी प्लस अकाउंटिंग बोथ है, तो उसमें ये चीज़ अहम है दोनों के दोनों। और अगर कोई ऐसा क्लाइंट जो सिर्फ अकाउंटिंग ही वर्क करता है, जो सिर्फ सर्विस रिलेटेड है, जिसमें कोई स्टॉक आइटम्स रिलेटेड कोई काम नहीं है, तो उसके लिए अकाउंटिंग मास्टर ही काफ़ी है। हम आगे बढ़ते हैं इन्वेंटरी मास्टर में। इन्वेंटरी मास्टर में हम सबसे पहले देखेंगे स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप आपका सेम एज लाइक एज अकाउंटिंग ग्रुप। ग्रुप के नाम से ही पता लगता है कि ये एक समूह है, किसी चीज़ का समूह है जो हम एक डिनोट करना चाहते हैं कि इससे रिलेटेड सारी चीज़ें इस ग्रुप में होगी। जैसे कि अब मेरी कोई फर्म, में अज्यूम करता हूँ कि हम ऐसी फर्म में काम करते हैं, ऐसी फर्म के लिए काम करते हैं जिसमें FMCG रिलेटेड गुड्स भी हैं और इलेक्ट्रिक गुड्स भी हैं, कॉस्मेटिक गुड्स भी हैं। तो मैं ये डिनोट करना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड कोई पार्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड उसकी जो आइटम है सारी उसी ग्रुप में आए। जैसे कि FMCG से रिलेटेड मैं चाहता हूँ कि मान लो उसके अंदर 100 आइटम है, मैं उस ग्रुप को एक अलग से नाम देना चाहता हूँ ताकि मैं उसी ग्रुप पे अगर एंटर करूँ तो उससे रिलेटेड ही आइटम मेरी सामने आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्रुप क्रिएट करना चाहूँगा इसमें FMCG गुड्स, अंडर मैं इसको प्राइमरी लेना चाहूँगा। उसके बाद में फर्दर आप भी अगर कुछ डालना चाहें, किसके अंडर लेना चाहते हैं, लेकिन वो आएगा ही, फर्दर आप कुछ क्रिएट कर भी देंगे तो भी अंडर हैंड प्राइमरी ही रहेगा, उसको भी आपको अंडर हैंड प्राइमरी लेना पड़ेगा। फर्दर मैं एक चीज़ में आपको और बताना चाहूँगा जो अहम है कि अगर आप कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अगर उन सब का HSN कोड और GST रेट सेम है तो ही आप उसको यहाँ मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज आप उसको यहाँ मेंशन नहीं करना हमें। उसका मेन रीज़न ये है, अगर आपने यहाँ क्रिएट कर दिया तो जब भी आप उसको किसी अपने इनवाइस में क्रिएशन में डालोगे तो वो आइटम का क्रिएशन HSN कोड और GST रेट लेने की बजाय आपका ग्रुप का पिक करेगा। कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे HSN कोड और GST रेट ना डालें, आपको इसमें स्पेशल आपके आइटम में ही क्रिएट करना है। आप इसको ब्लैंक छोड़ के सेव कर लीजिए। मैं एक और ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक गुड्स। अब मैंने दो ग्रुप्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। ग्रुप और कैटेगरी दोनों एक ही चीज़ है, वो दोनों आपको एक ही चीज़ डिनोट करते हैं भी इससे रिलेटेड क्या आइटम आपकी किस में डालनी है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक आइटम। अब मैंने जो ग्रुप क्रिएट करा उससे रिलेटेड मेरी क्या क्या आइटम्स है वो आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। आपको उन ग्रुप्स को आप इसमें कैसे डालेंगे, आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा सामने की भी, है ना, हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो वो ग्रुप में कैसे जाएगा, वो आपका हम इसके एक क्रिएशन के टाइम पे आपको मैं बता देता हूँ कि हम उसको कैसे डालेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने ग्रुप क्रिएट करा था FMCG गुड्स, फिर दूसरा करा था मैंने इलेक्ट्रिक गुड्स। अब मैं FMCG गुड्स में एक आइटम क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें ले लेता हूँ आटा। आटा में अब आप जैसे अंडर यहाँ पे जो आपने ग्रुप क्रिएट करा था वो अपने आप जैसे ही आप अंडर पे आएंगे वो आपको ऑप्शन दिखा देगा कि किस ग्रुप में आप इसको लेना चाहते हैं। मैंने ग्रुप इसमें सेलेक्ट कर लिया कि आटा को मुझे FMCG गुड्स में लेना है। अब यूनिट का मतलब होता है कि आपको इस आइटम्स को कैसे मेजरमेंट करना है, KG में मेजरमेंट करना है, क्विंटल में मेजरमेंट करना है, आप उसको यहाँ पे क्रिएशन कर सकते हैं। जैसे कि यूनिट में अब आपको इनबिल्ट कोई भी चीज़ इसमें नहीं है,
अब आपको इसमें यूनिट मीजर करना है। मैं इसको क्रिएट पे जाके एंटर भी कर सकता हूँ, ऑल्ट सी के माध्यम से भी इसमें एंटर कर सकता हूँ। सिंपल, जैसे ही आप इसके ऊपर एंटर करेंगे आपको यूनिट क्रिएशन में सबसे पहले पॉइंट दिखेगा सिंबल। सिंबल में आपको 3 डिजिट में अपना जो मेजरमेंट का नाम है वो डालना है। जैसे किलोग्राम का है उसको सिंबल मैंने डिनोट किया KGS से। फॉर्मल नेम में आपको वो पूरा नाम लिखना है, मैंने लिख दिया किलोग्राम। UKUC इसमें आपको जो आपने सिंबल और फॉर्मल नेम डाला है वही चीज़ आपको टैली से पिक करनी है जो चीज़ आपकी टैली के अंदर ऑलरेडी है। अगर आप क्रिएट भी करना चाहो तो यहाँ पे UKUC नेम डाल के क्रिएशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको टैली के अंदर जो इनबिल्ड है उससे सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मैंने किलोग्राम का था तो हमें KGs में यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, एंटर करके हम इसको सेव कर देते हैं। अब हमारा यूनिट भी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट आता है हमारे इसमें GST एप्लीकेबिलिटी। GST एप्लीकेबल अगर आपका क्लाइंट का है तो आप इसमें, अगर रजिस्टर्ड हैं तो आप इसमें एप्लीकेबल कीजिए, नहीं है तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़िए। अगर तो आपका GST में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, तो आपके लिए HSN SSC रिलेटेड डिटेल और GST रिलेटेड डिटेल आप यहाँ पे मेंशन ना करें, अदरवाइज आप इसमें आप इसको डालिए। जैसे कि मैंने इसमें एप्लीकेबल चूज़ किया है, एप्लीकेबल चूज़ करने के बाद में मैं इस प्रोडक्ट का HSN कोड इसमें डालना चाह रहा हूँ, तो स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करके आप इसमें HSN डिटेल डाल सकते हैं। मैं इसमें HSN डिटेल डाल रहा हूँ 1102। मैंने ये HSN कोड फॉर एग्जांपल लिया है, आपको समझाने के लिए लिया है। अगर आप इसका बिल्कुल एग्जैक्ट कन्फर्मेशन चाहते हैं तो आप अपने क्लाइंट्स के CA से इसके बारे में एडवाइस ले लें, अदरवाइज आप इसको गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, वो आप वहाँ पर भी आपको ये ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं GST रेट। अब जो आपने प्रोडक्ट डाला है उसका HSN भी डल गया है, उससे रिलेटेड GST रेट भी आप इसको यहाँ पे मेंशन करें। मैंने GST रेट इसका डाल दिया 5%। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सप्लाई। टाइप ऑफ सप्लाई में हमारा प्रोडक्ट के नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि वो हमारा गुड्स है, अगर सर्विस होता तो हम उसको अकाउंटिंग में डालते। ये था मेरा गुड्स आटा जो कि हमने डाला FMCG गुड्स में। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जो हमारा इलेक्ट्रिक गुड्स का पार्ट होगा, मैं उसका भी एक आइटम और क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिक गुड्स में मैंने ले लिया क्रिएशन में फैन। फैन में डालता हूँ 100 इलेक्ट्रिक गुड्स, मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक गुड्स के अंदर फर्दर उसकी आइटम, तो इलेक्ट्रिक गुड्स। अब इलेक्ट्रिक गुड्स की अगर कोई आइटम है तो मेरे को वो चाहिए पीसीज में या नंबर्स में। हम उसको केजीज में तो डिनोट कर नहीं सकते, और नंबर और पीस यहाँ पे आपका क्रिएट नहीं है, तो मुझे क्रिएट करना है। मैं क्रिएट के ऑप्शन पे गया, एंटर करा सिंबल। मैं अब अगर पीस में क्रिएट करूँगा तो मैं सिंबल दे देता हूँ PCS। फॉर्मल नेम मैंने इसको दिया PIS पीसीज। अब आप अगर देखें तो इसमें आपको पीसीज देखने को मिल जाएगा। एंटर एंटर, मैंने यूनिट भी क्रिएट कर दी। GST एप्लीकेबल, हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर आप HSN जो डालेंगे, ऑप्शन चूज करें स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, और HSN इसको मैंने दे दिया 8414। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इस HSN को आप बिल्कुल ही एग्जैक्ट ना मान के चलें, आप इसको क्लियर करें अपने CA से ही। एंटर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, मैंने इसका GST रेट डाला 18% गुड्स और क्रिएट। अब मेरे 2 स्टॉक आइटम क्रिएट हो गए हैं, एक मैंने क्रिएट कर दिया FMCG में, एक मैंने क्रिएट कर दिया इलेक्ट्रिक गुड्स में यूनिट। अब इन्वेंटरी मास्टर का नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा यूनिट। यूनिट मैंने आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त भी बता दिया था कि भी हम यूनिट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सेम वैसे ही आपको यहाँ ऑप्शन देता है कि आप यहाँ भी जाकर यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गोडाउन। गोडाउन में जैसे ही हम एंटर करेंगे आपका बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन टैली के अंदर क्रिएट रहता है, आपके डाटा में क्रिएट रहता है। अगर आप उसको अल्टर करना चाहते हैं तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं, आपको ऑप्शन भी देता है अल्टर का। अगर आप नया क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको क्रिएट न्यू के माध्यम से क्रिएट भी कर सकते हैं।
मैं जैसे चाहता हूँ कि कोई पार्टिकुलर एरिया में मेरा अदर गोडाउन है और मैं उस गोडाउन का नाम देना चाहता हूँ, तो मैं इसमें गोडाउन का नाम भी दे सकता हूँ। तो मैंने इसको अलग से क्रिएट कर दिया, मॉडल टाउन गोडाउन। अब हम ये गोडाउन क्रिएट क्यों करते हैं? हम गोडाउन को क्रिएट इसलिए करते हैं कि अगर कोई आपकी पार्टी जिसके एरिया वाइड रेंज है और उसने उस एरिया को कवर अप करने के लिए अपने दो तीन गोडाउन अलग अलग जगह बनाए हुए हैं, ताकि उसका इन और आउट इजीली हो सके, उसको ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो माल को आने और ले जाने में। तो उस डाटा को प्रिपेयर करने के लिए मैंने अलग अलग गोडाउन बनाए हैं, ताकि मैं हर गोडाउन का अपना अलग अलग डाटा प्रिपेयर कर सकूँ, किस गोडाउन से क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हमने किया इन्वेंटरी मास्टर में कि ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं और गोडाउन का कैसे क्रिएशन होता है, और हर एक चीज़ का अपना अलग अलग क्या महत्व है। तो आज के लिए हम इतना ही काम करेंगे, अगला पार्ट हमारा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।